हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ ऑफ रोडिंग पे, माउंट चिलियट पे। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जिमी की जो कार थी वो बेच दी थी, क्योंकि जिमी ने उसका एक्सीडेंट करा दिया था। तो इस वजह से मैंने उसको बेच दिया, क्योंकि मैं दोबारा जिमी को और कोई कार नहीं ला के दे सकता, क्योंकि वो हर बारी गाड़ी ही मारता है। कहीं भी जाके मुझे खर्चा करना पड़ जाता है, तो इसके मैं पहले कपड़े बदल लूँ ऑफ रोडिंग के लिए कोई अच्छे से। ये वाले बेहतरीन है। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी तो जिमी मेरे ख्याल से सो रहा है, या शायद बाहर गया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने अमांडा को कह दिया था कि मैंने अभी आज जाना है ऑफ रोडिंग पे, और आज हम लोग टेस्ट करेंगे टोयोटा लैंड क्रूजर 2016 मॉडल। यहाँ से जाते हैं। तो ये रही अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर। तो अब हम लोग चलते हैं ऑफ रोडिंग पे। एक बार मैं मार्क कर लूँ यहाँ पे, एक मैं घर से बाहर से निकल लूँ। माउंट चिलियट, ये रहा, काफी लंबा सफर होगा। तो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह यूं ही हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे। यार, इसका एक तो हॉर्न मैंने चेंज करवाना था। जिमी ने जो है ना, इसका हॉर्न जो है वो चेंज कर दिया था। पहले उसने एक, पता नहीं, वो गाने वाला कोई हॉर्न लगाया था। फिर मैंने उसको डांटा था, मैंने कहा था इसको चेंज करवाओ, डिसेंट सा लगाओ यार हॉर्न। उसने फिर ये ट्रक वाला हॉर्न लगवा दिया। तो मैं रोज़ भूल जाता हूँ, मैंने इसको चेंज करवाना था। बस मैं रोज़ भूल जाता हूँ चेंज करवाना। जाऊंगा नेक्स्ट कल या आज, अगर शाम टाइम अगर वापस आ गया शाम को, तो फिर मैं शाम को शफीक के बाद जाके इसका हॉर्न चेंज करवाऊंगा, वरना फिर कल ही इंशाल्लाह। गाइस, ये वाली जो रोड है ना, ये गलियां, इनसे बड़ी नफरत है। इधर ज्यादा मेरा एक्सीडेंट होने का खतरा होता है यार, इधर चलाना बड़ा मुश्किल है। ये देखें किस तरह का हॉर्न है। गाड़ी वाले हंसते हैं, कहते लैंड क्रूजर के ऊपर ट्रक वाला लगवाया हुआ हॉर्न, इसे शर्म आती है ये इसका हॉर्न बजाते हुए। तो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ऑफ रोड के टायर्स लगवाए हुए हैं, क्योंकि मुझे ऑफ रोड टायर्स जो है ना, बड़ी गाड़ी पे, एसयूवी कार्स पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने एसयूवी कार्स पे ऑफ रोडिंग वाले टायर्स लगवाए। अगर आप लोगों को टायर लगवाने हैं, या अगर आप कोई और लगवाना चाहते हैं, तो मुझे सजेशन दें कमेंट में। इंशाल्लाह मैं वो वाला लगा लूँगा, चेंज कर लूँगा, कोई इशू नहीं। ऑफ रोडिंग वाले टायर मैंने ऐसे लगाया, यार हमने ऑफ रोडिंग पर जा रहे हैं ना, इस वजह से हमें ऑफ रोडिंग के लिए ऑफ रोडिंग वाला ही टायर लगाने पड़ेंगे। तो बाकी जो इसके रिम्स हैं वो तो मैं चेंज करता रहता हूँ भाई। साइड पे, बल्कि गलती मेरी थी, मैं गलत साइड से जा रहा था। तो यार, अब मैंने न्यूज़ देखी थी, वो कह रहे थे कि लॉस सैंडोस सैंडी शोर्स में बारिश का अम्कान है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो अब डर ये है कि बारिश ना हो जाए, या फिर ऑफ रोडिंग का फिर मज़ा नहीं रहेगा। गाइस देखें, इसके जो मैंने विंडोज़ जो है ना, वो मैंने मतलब लाइट डार्क मतलब ब्लैक करवाई हुई है। तो गाइस, यहाँ से व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में जो व्यू आते हैं ना, बहुत ज़्यादा जबरदस्त लगता है यार मुझे। अभी जो रोड्स जो है ना, वो मतलब कि इतनी गोल गोल सी, ऐसे मतलब मुश्किल रोड्स हैं यहाँ पे। अभी मैं भगा नहीं रहा, जहाँ पे सीधी रोड मुझे नजर आएगी मैं भगा के आप लोगों को इसका टेस्ट कराऊंगा। इसका स्पीडोमीटर भी लगा हुआ है। गाइस आगे आप लोग देख सकते हैं, प्रियस जा रही है। यही प्रियस, इसी तरह की प्रियस उसके पास होती थी जिमी के पास, पर उसने बदकिस्मती से ठोक दी। अगर वो ठोकता ना तो उसके पास अभी भी होती। अब तो वो साइकिल पे ही जाता जाता रहता है, वरना उसका बाइक भी है एक। इंशाल्लाह कभी हम लोग हंटिंग पे भी जाएंगे, इंशाल्लाह हंटिंग भी करेंगे, डियर हंटिंग और दूसरी खरगोश वगैरह जो रैबिट्स मारने वाली हंटिंग होती है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। उसकी वीडियो भी जल्द आएगी। बस हमें सपोर्ट करें, लव लव दें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओ भाई, क्या कर रहे हो, अंधा हो गया क्या? गाइस इसका इंटीरियर चेक करो, कैसा जबरदस्त है। तो यहाँ से मुड़ना था, हाँ ये जाता है माउंट चिलियट को रास्ता।
170 तक गई है अभी गाड़ी। असल में यही बस गई थी 220 तक है ये गाड़ी, 240 तक, पर इसकी मैंने ऑफ रोडिंग चेक करनी है कि इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैसी होती है। वैसे ये जिस इलाके से मैं अभी गुजर रहा हूँ ना, ये इलाका बहुत खतरनाक है, यहाँ पे तो फिर गुंडे रहते हैं ज़्यादातर, तो कभी भी कोई डकैत वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ेगी। मेरे पास स्नाइपर भी है इस वक्त और मेरे पास पिस्टल भी है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह गाइस वीगो डाला भी लेंगे इंशाल्लाह GTA 5 में। मैं सोच रहा हूँ कि यार इसके साथ साथ एक वीगो भी ले लूँ, क्योंकि घर में एक वीगो भी अच्छा रहता है, मुझे वैसे भी SUV कार्स पसंद है। तो वीगो जो है ना, मतलब कि एक SUV तो समझो नहीं है, लेकिन वीगो मेरी फेवरेट कार है। तो इंशाल्लाह गाइस हम लोग वीगो भी खरीदेंगे और वीगो भी घर में रखेंगे इंशाल्लाह। आप लोग बस मुझे कमेंट में बता देंगे कौन सा मॉडल का लें वीगो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे। अबे यार गलत गलत रास्ता सामने पकड़ लिया। ओहो पीछे वो रास्ते से जाना था। ये रास्ता जा रहा है। तो गाइस देखें ये बारिश शुरू हो गई है यार, मुझे इसी चीज़ का डर था कि मैंने कहा बारिश ना हो जाए शुरू। तो यार अब मुझे मैंने कॉल करके पीछे से वेदर वालों से पूछा है, वो कह रहे हैं कि बस ये 20-30 मिनट के लिए बारिश हो रही है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद तो है कि जल्दी ख़त्म हो जाए। हिरन से बचा के जाना पड़ेगा। ओ गाइस व्यू चेक करो यार, सारे पैसे ही व्यू के। यहाँ से थोड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ेगी। यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, उतर के तो ये जा रहे। गाइस इधर माहौल तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। सब्सक्राइब कर दो यार, देखो कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। हम ऊपर वो माउंट चिलियट को जा रहे हैं, ये बस एक बार चढ़ जाए यार गाड़ी। ये गई गाड़ी, ये चीज़ ज़बरदस्त यार, बड़ी स्मूथ जा रही है यार गाड़ी। SUV जो इसके जो टायर्स लगे हुए हैं ना ऑफ रोड वाले, उसकी वजह से भी ये थोड़ा उससे काफी फर्क आ रहा है। अगर वो ना लगाते तो शायद जाती गाड़ी, मुश्किल ही था। ओ गए गए गए, बच गए, और अभी हमने नीचे जाना था। गाइस अबे फंस गए। ये देखो भाई आपका भाई ड्रिफ्टिंग भी कर लेता है। उल्टी जानी थी अभी गाड़ी। ये देखिए यार, एक तो बारिश की वजह से ना कीचड़ हो गए और गाड़ी जो है ना वो आगे को नहीं जा पा रही कीचड़ की वजह से। गाइस बारिश बहुत तेज हो गई और बिजली भी चमकने लग गई, और बारिश पहले से ज्यादा तेज हो गई है। वो तो मैंने जब वेदर वालों से पूछा था, वो कह रहे थे कि ये अभी 10-15 मिनट के लिए बारिश हो रही है, ख़त्म हो जाएगी। पर अभी मैंने दोबारा कॉल की, फिर वो अभी वो मुझे कह रहे थे कि दोबारा से वो नॉर्थ जंक्शन वाली साइड से बादल आए हैं, बड़े घने गहरे काले बादल हैं जिनकी वजह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। उनको भी कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ से बादल इतनी जल्दी आ जाएंगे। तो यार ऑफ रोडिंग, चलो इससे चलो ये टेस्ट हो जाएगा गाड़ी में कितनी जान है। हाँ
कीचड़ के ऊपर गाड़ी देखते हैं कितनी जोर लगा के निकल रही है। अगर मैं फंस गया तो फिर मुझे 3-4 घंटे यहीं पे फंसा रहूँगा। डिपेंड करता है कि वो फिर कैसे मुझे बचाने आएंगे। कॉल करूँगा पीछे तो वो लोग आएंगे मुझे बचाने अगर गाड़ी फंस गई। तो गाइस ये आखिरी स्टेज यहाँ पे आ गया माउंट चिलियट का, जो सबसे टफ है। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ही मिस्टेक होगी, फिसल गए तो समझो गए। तो बड़े आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी। यहाँ से थोड़ी रेस देनी पड़ेगी। ये निकल गए, शुक्र। गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग माउंट चिलियट को तकरीबन पहुंच गए हैं और मेरी गाड़ी ने मुझे धोखा नहीं दिया। मुझे इसी चीज़ की खुशी है। ओ मर गया, चलो कोई नहीं। तो गाइस हम लोग माउंट चिलियट पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा और रह गया ऊपर को जाना है। जी का लिखा हुआ है, एक मिनट रुके। ये लिखा हुआ है बेल्स एंड डेंजर। ओके किधर से जाऊं भला? यहाँ से तो पैदल जा सकते हैं, आगे से गाड़ी, शायद गाड़ी का रास्ता हो आगे से। नहीं 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 यहाँ से गाड़ी का रास्ता नहीं है। यहाँ से कोशिश करता हूँ गाड़ी गुजर जाए। ये ले, शुक्र है गाड़ी चढ़ गई ऊपर। अब यार यहाँ से गाड़ी लग जाए कहीं से भी। हो बच गया बच गया बच गया बच गया। वो गाड़ी फंस गई मेरी, बच गए। गाड़ी भी नहीं लगी, शुक्र है। नीचे तो हल्की सी लगी होगी स्केट्स वाली साइड से। तो गाड़ी जो है आप हम कहाँ पे खड़ी कर रहे हैं? अरे भाई मैंने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया? अरे यार गलत रास्ता था ये तो। बारिश हो रही है ना, मुझे रास्ता भुला हुआ है। काफ़ी देर बाद आ रहा हूँ ना यहाँ पे, 10 साल बाद। जब जवान था ना मैं, जब कॉलेज में पढ़ता होता था तब मैं यहाँ पे आया था। अब यार यहाँ से गाड़ी को उतारना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यार ये देखो अब कहाँ से गुजारूँ यार, यहाँ से देखता हूँ। यहाँ से निकल गई गाड़ी, शुक्र है। उप्स बच गई बच गई बच गई बच गई। कहाँ से जाऊंगा भला? यहाँ से जाना है यार। मैं वहां से भी वैसे आ सकता था यार, मेरा भी वैसे कोई हाल नहीं। हम ऊपर तक गाड़ी लेके जाएंगे। अबे यहाँ यहाँ से गाड़ी गुजर जाएगी? गुजर तो जाएगी वैसे, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए बस। यहाँ से ओए ओए ठुक गई गाड़ी, बच गया बच गया बच गया। ये वो निकल गया, यस। तो गाइस हम लोग माउंट चिलियट पहुँच गए हैं। तो बहुत खुशी हो रही है यार, बारिश रुक जाए ना यार एक बारी, क्या ही हो जाएगा यार। बहुत मज़ा आया यार यहाँ पे। लुक थ्रू टेलीस्कोप यहाँ से देखते हैं। ये जी मेरी गाड़ी, ये रही। तो शुक्र है गाइस हम लोग माउंट चिलियट पहुंचते हैं। मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और वेट करता हूँ कि बारिश रुक जाए। तो गाइस बारिश तो रुक गई है लेकिन बादल थोड़े बहुत हैं, कुछ नहीं है।
ये देखें, ये कोई जगह है यहाँ की, और ये जो पहाड़ है ये GTA 5 का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, ये बाइकर्स आए हुए हैं यहाँ पे काफी देर के खड़े थे। नहीं, ये तो लेडीज हैं। ओहो हो भाई, गिर ना जाऊं मैं। ओ गिर गया, बच गया बच गया बच गया। ना मोबाइल निकाल के एक तस्वीर खींचे तो जिमी वगैरह का दिखाऊंगा मैं। हे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ पे खड़े होके। ओहो अभी मैंने गिर जाना था। ये एक तस्वीर खींच ली। अब एक थोड़ी सी और, एक दो और खींच लेते हैं तस्वीर। ये बन गई बेहतरीन। तो गाइस यहाँ पे ऊपर कुछ रहते हैं, देखते हैं क्या क्या माहौल है यहाँ पे, सारा माहौल देखते हैं यहाँ पे। जिमी के वो, जब मैं घर जाऊंगा तो जिमी दिखाऊंगा, जिमी तो देख के पागल हो जाएगा। पहले जब जब मैं आ रहा था तो मैंने उसे ऑफर किया था, मैंने कहा था आना है तो आ जा, कहता नहीं मैंने अपने दोस्त के साथ जाना। मैंने कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी, ये बाद में ना कहीं मुझे लेके नहीं गए। तो गाइज यहाँ पे दोबारा बारिश हो गई, जल्दी से हम लोग घर की तरफ जाते हैं। और अब इससे पहले कि ज़्यादा तेज़ और बारिश हो जाए, गारा वगैरह ना हो जाए और भी ज़्यादा, तो यहाँ से हम निकलते हैं। अबे अबे निकल जा निकल जा। अब जहाँ जहाँ खराश लगी है ना गाड़ी की, वो जाके सारी मरम्मतें करवाता हूँ। आराम से आराम से आराम से आराम से जाएंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अबे आराम से ठोक ना दे गाड़ी। गाड़ी में वैसे बहुत जान है यार, लैंड क्रूजर वीएट का हमने आज रिव्यू दिया है इस पे, हमने इसके ऑफ रोडिंग पे, और बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। हमें इसके साथ, मुझे वैसे इसको चला के बहुत मज़ा आया यार, बहुत मतलब यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है ये, पायदार कार है। यहाँ से अब देखो मुड़ेंगे, ओए बच गए यार, अभी हमने नीचे ही जाना था। सही सलामत घर पहुंचना चाहता हूँ यार। तो गई जो बारिश है वो खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी बादल हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग शहर में पहुंच गए और अपने घर की तरफ जा रहे हैं, बस घर भी आ गया है। तो हमने अंदाजा लगा लिया इसकी ऑफ रोडिंग करके प्राडो V8 की, कि ये सबसे बेस्ट गाड़ी है ऑफ रोडिंग के लिए। और आगे इंशाल्लाह और भी हम लोग ऑफ रोडिंग करेंगे दूसरी SUV कार के साथ, वीगो। इंशाल्लाह मेरा पूरा प्लान है कि वीगो बच गया या लग गया, बच गया। तो वीगो वीगो जो है उसके साथ हम लोग उसकी हम ऑफ रोडिंग करेंगे। गाड़ी को मैं ऐसे खड़ा करता हूँ सीधा करके, या फिर अगर आपकी नज़र में कोई है गाड़ी जो आप जिसके साथ आप लोग करवाना चाहते हैं ऑफ रोडिंग, तो मुझे वो सजेशन दे दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एक मिनट, I'm still alive in case you're wondering. ये जी अब हम लोग घर पहुंच गए। तो इंशाल्लाह हम लोग ऐसे हम सजेशन दें कोई वीडियो की, मतलब कोई वीडियो कह दे कोई गाड़ी की जिस पे हम ऑफ रोडिंग करें और माउंट चिलीट पे जाएं और टेस्ट करें गाड़ी को कि कैसी गाड़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। समझ ना पाए मुश्किल आते ने बोर रैपर रैपर डेली गाने कटे किसी में जोर ना करके दिखाऊं मैं चंडे करवाऊं मैं गल फरमाऊं मैं खिंच लवा थले चढ़े मुंडे हवाओं में मुझ वक्रे ताऊ मैं बिके कोड़ी के भाव में गला नहीं हो करा मैं तकर के वखाऊं मैं जिन्होंने सुना जे गाना सुनने के बाद उन्होंने समझ नहीं आना चुलबानी बिच मारे जाओगे लानत है तेरी पिदाइश पे मौत में दबांगा तेरी फरमाइश पे घर में जावा मैं पीछे रह जावा मैं किसी से लेके मैं खावा ऐसी गुंजाइश नहीं रब की साहब मेरी रोटी चला रही फ्लो मेरा जेब फरारी।
मैं जरूरत नहीं क्योंकि तूफान बन के मंजिल की तरह है मेरी सवारी कुत्तियां दी बन की फौज पूरी मैं ते गल्ला नहीं उकाब छड़ते सोच तेरी जक दम रखदा नजर पूरी रखदा खबर रब दी धुन में मगन लेके सुन ले मगन मेरी चाले ये समझ नहीं आनी है ना नशे च जवानी गवानी है ना दी सोच च बैठी जनानी है जा तू लड़ ले जे तेरे च पानी है 20 करोड़ आवाम दे विच 20 लाख रैप ने जना दे विच एक कला तेरा प्राय जेदा फ्लो है सिक ते नाले मेनू रब ते ईमान है कोई रोक ना पाएगा मेनू कोई टोक ना पाएगा मेनू सारे जाली रैपनी कख नहीं पले मैंने लगते ने फ्लाप बना दे पिछे भाव नहीं